Hey, welcome to GeoMind. Today we are going to discuss the part 9 of igneous petrology. So as you know, we have been discussing the binary phase diagram aur pichli video yani ki part 8 mein humne discuss kiya tha eutectic of diopside and anorthite. Okay, now in this video we will discuss the binary peritectic crystallization, okay, of forrestroid and quartz. Now forrestroid and quartz are two minerals. Forrestroid comes under your olivine group and quartz is your simple SiO2. Okay, so olivine group में जो Mg end member होता है यानी कि magnesium end member उसको हम forrestroid बोलते हैं. Alright, यानी कि Mg2 SiO4. जो iron का end member होता है वो क्या होता है आप comment में लिख सकते हो नीचे. Alright, तो इसको हम discuss करने वाले हैं, लेकिन इससे आगे बढ़ने से पहले हम पिछली वीडियो में थोड़ा जो हमने डिस्कस किया था डायोपसाइड एनोर्थाइट वाला सिस्टम उसको देख लेते हैं. तो पिछली वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए थे. यूटेक्टिक क्या होता है उसको हमने डिस्कस किया था, ठीक है, एंड वी डिस्कस द पाथ फॉलोड बाई द मैग्मा ड्यूरिंग द क्रिस्टलाइजेशन, ओके, एंड मेल्टिंग. तो इसको हमने डिस्कस किया था, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स related to the crystallization of both component diopside or anorthite, दोनों का हमने case discuss किया था, ठीक है, यानी कि anorthite 70 वाला and anorthite 20 वाला. Then we discuss some calculations regarding lever rule. तो हमने lever rule के calculations किए थे यहाँ पे, और साथ ही साथ कंसेप्ट मैंने फिर से बताया था. हालांकि लीवर रूल का जो पहला कंसेप्ट था वो मैंने सॉलिड सॉल्यूशन वाली वीडियो में बताया था, ठीक है. देन वी डिस्कस द मेल्टिंग बिहेवियर कि अगर मेल्टिंग होगी तो कैसे बिहेव करेगा, ओके, एंड देन वी डिस्कस द फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन. तो इस जो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था वो इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन था, अब फिर हमने फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन डिस्कस किया था एंड फ्रैक्शनल मेल्टिंग, ओके, इसमें क्या क्या होगा ये हमने सब डिस्कस किया था. देन वी डिस्कस द टेक्सचर रिलेटेड टू यूटेक्टिक, ओके, तो यूटेक्टिक के राइट हैंड साइड पे अगर बल्क कंपोजिशन होगा तो कैसा टेक्सचर बनेगा, यूटेक्टिक के लेफ्ट हैंड साइड पे बल्क कंपोजिशन होगा तो कैसा टेक्सचर बनेगा, ये सब हमने डिस्कस किया था, राइट, ओके, एंड हियर वर सम एग्जांपल्स. तो ये थी पिछली वीडियो की ब्रीफ हिस्ट्री. आज हम डिस्कस करेंगे बाइनरी पेरिटेक्टिक, ओके, सो लेट मी जस्ट ब्रिंग दैट स्लाइड, ओके. तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है यहां पे ये है पेरिटेक्टिक का डायग्राम, ओके, तो इसी को हम पढ़ने वाले हैं आज. ऑलराइट, so if you are new to the channel don't forget to like share and subscribe and join my telegram group if you haven't joined yet. to maine link description mein de diya hai. to as you can see kya kya humne padha hai, one component H2 SiO2 system ye sab pad liya, sath hi sath humne phase rule ko apply kaise karte hain wo sab padha tha, okay, P plus F is equal to C plus 2 or C plus 1 if the isobaric, if the system is isobaric or isothermal. फिर हमने टू कंपोनेंट में डायोपसाइड एनोर्थाइट पढ़ लिया है, एल्बाइट एनोर्थाइट का सॉलिड सॉल्यूशन पढ़ लिया है, और आज हम पढ़ेंगे बाइनरी पेरिटेक्टिक क्रिस्टलाइजेशन. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस एक्सोल्यूशन ऑफ एल्कली के फेल्डस्पार्स. फिर हमारा थ्री कंपोनेंट सिस्टम आ जाएगा, इसमें टर्नरी यूटेक्टिक, टर्नरी पेरिटेक्टिक एंड टर्नरी कोटेक्टिक, ओके. तो इंट्रोडक्शन देखते हैं कि पेरिटेक्टिक पॉइंट, तो यूटेक्टिक पॉइंट तो हमने समझ लिया था पिछली वीडियो में, पेरिटेक्टिक पॉइंट क्या होता है. तो पेरिटेक्टिक का सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं. नाउ पेरिटेक्टिक reaction is a reaction where a solid phase and liquid phase will together form a second solid phase at a particular temperature and composition. to kehne ka matlab kya hai ki peritectic ek reaction hota hai, peritectic point matlab us point pe peritectic reaction ho raha hai, right. to is diagram mein aapko jo p point dikh raha hai yahan pe blue color ka, okay, this is known as your peritectic point. तो इस पॉइंट पे फेस डायग्राम के हमारा जो रिएक्शन हो रहा है वो पेरिटेक्टिक रिएक्शन हो रहा है. नाउ पेरिटेक्टिक रिएक्शन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हमारा एक सॉलिड फेस जो कि डिफरेंट होगा, ओके, इट विल रिएक्ट विद द लिक्विड टू प्रोड्यूस अ सॉलिड फेस विच इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दिस वन, ओके. तो इसको हम सिंपल भाषा में पेरिटेक्टिक बोलते हैं, ठीक है. तो यहां पे कुछ ऐसा ही होता है, ऑलराइट.
तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन एडिशन टू द यू टैक्टिक मिनिमम ऑन द लिक्विडस दैट इज पॉइंट ई. तो यहाँ पे हमारा यू टैक्टिक है ये पॉइंट ई. देयर इज अनदर इन्फ्लेक्शन पॉइंट इन दिस सिस्टम पॉइंट पी कॉल्ड पेरिटैक्टिक पॉइंट. ओके दिस वन. नाउ सच सिस्टम्स आर दस कॉल्ड पेरिटैक्टिक सिस्टम्स. डिसकंटिन्यूअस रिएक्शन अकर बिटवीन फॉस्फेटाइट एंड एसेटाइट इन विच अर्ली फॉर्म मिनरल्स रिएक्ट विद द मेल्ट टू प्रोड्यूस डिफरेंट मिनरल्स. यानी कि इस यहां पी पॉइंट पे क्या होगा, फॉस्फेटाइट विल रिएक्ट विद द लिक्विड टू प्रोड्यूस एसेटाइट. यानी कि ये डिफरेंट फेज प्रोड्यूस कर रहा है. ओके नाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस वन. तो इसको हम बोलेंगे पेरिटैक्टिक रिएक्शन. और ये डिसकंटिन्यूअस रिएक्शन भी होता है, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस रिएक्शन में क्या होता है, ये फेज पूरा कंज्यूम हो जाएगा. तो वन फेज विल कंज्यूम फुली टू प्रोड्यूस अनदर फेज. ओके सो हियर ओलिविन दैट इज फॉस्फेट अंडरगो मेल्टिंग एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर ड्यूरिंग कूलिंग. नाउ एट द पेरिटैक्टिक पॉइंट एट द सेम टाइम एज अ न्यू मिनरल इन इक्विलिब्रियम विद द मैग्मा बिगिंस टू क्रिस्टलाइज. यहां पे सेम मिनरल कौन सा है, एस्टेटाइट है. अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ पे तो हमें तीन देखने को मिल रहे हैं, तीन केमिकल स्पीशीज हैं, लेकिन एक्चुअली में ये टू कंपोनेंट कैसे हो गया. तो अगर आपने पहली वीडियो मेरी देखी है जिसमें मैंने कंपोनेंट के बारे में बताया, तो कंपोनेंट हम कैसे चूज करते हैं इसको मैं आगे भी डिस्कस करूंगा, लेकिन एक ब्रीफ आइडिया फिर से दे देता हूँ कि हमें सिस्टम को डिफाइन करने के लिए जितने मिनिमम नंबर ऑफ स्पीसीज चाहिए, केमिकल स्पीसीज, वो हमारे कंपोनेंट होते हैं. तो यहाँ पे हमारे कौन से इस केमिकल स्पीसीज है, Mg2SiO4 है जो कि हमारा फॉस्फेट है, देन अपना Mg2Si2O6 है जो कि हमारा एस्टेटाइट है. एस्टेटाइट इज योर ऑर्थोपायरोक्सीन. ओके तो पायरोक्सीन ग्रुप का मिनरल होता है, पायरोक्सीन ग्रुप एक मिनरल ग्रुप होता है, और उसमें जो ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम क्रिस्टल सिस्टम में जो क्रिस्टल बनते हैं इस ग्रुप के, उनको हम ओपीएक्स बोलते हैं. ठीक है, ओपीएक्स ग्रुप बोलते हैं. उस ओपीएक्स ग्रुप के अंदर एक मिनरल आता है एस्टेटाइट, ठीक है, जो कि एमजी मिनरल एमजी ओलिविन होता है. ऑलराइट तो ये एस्टेटाइट है और साथ ही साथ हमारा SiO2 क्वार्ट्ज है. तो इसमें एक चीज आप देख रहे होंगे कि हम Mg2SiO4 प्लस SiO2 से Mg2SiO6 बना सकते हैं. यानी कि ये दो स्पीसीज इसको भी डिफाइन कर रही हैं, और साथ ही साथ ये फॉस्फेट को और ये क्वार्ट्ज को भी डिफाइन कर रहा है. तो हमें सिर्फ दो स्पीसीज की जरूरत है, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू कंपोनेंट सिस्टम. ओके साथ ही साथ पेरिटैक्टिक पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम भी जीरो रहेगा. कैसे रहेगा, अगर हम फेज रूल लगाएं पी पे, तो यहां पे हमें तीन फेज देखने को मिलेंगे. ओके तो पी पे कौन कौन से फेज हैं, हमारा एक तो इधर वाला साइड हो गया, ठीक है, जो कि 100% लिक्विड है. एक ये एस्टेटाइट वाला फेज हो गया, ठीक है, ये वाला, और एक इधर वाला फेज जो कि है फॉस्फेट का फेज. ठीक है, तो हमारे पास तीन फेजेस हैं, यानी कि P इज इक्वल टू 3 हो गया. कंपोनेंट हमारे पास दो हैं, फॉस्फेट एंड क्वार्ट्ज. तो P प्लस F इज इक्वल टू C प्लस 1 यहां पे लेंगे, क्योंकि यहां पे जो प्रेशर है, प्रेशर सिर्फ हमारा कांस्टेंट है. ओके प्रेशर ये कांस्टेंट है. तो जनरली यूटैक्टिक या पेरिटैक्टिक या इवन टर्नरी में हम आइसोबारिक सिस्टम लेते हैं. तो आइसोबारिक सिस्टम जब होगा तो हम यहाँ C प्लस 2 की जगह C प्लस 1 लिख देंगे. ठीक है, यानी कि सिर्फ हम टेम्परेचर को वेरी कर रहे हैं एंड जो कंपोजिशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ SiO2 का कंपोजिशन दे रखा है, यानी कि यहाँ पे 0% SiO2 होगा और यहाँ पे 100% सिलिका होगा. ओके तो पी प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस 1 हो गया हमारा. सो 3 प्लस एफ इज इक्वल टू 2 प्लस 1, क्योंकि कंपोनेंट दो हैं, तो एफ इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. ओके 3 माइनस 3 यहां पे 0. तो ये हमारा एक्चुअली पी इनवेरिएंट पॉइंट है. ओके तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि टू कंपोनेंट हम इसे क्यों बोलते हैं.
एंड अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं फेज रूल की, जिसमें मैंने अच्छे से समझाया है कि कंपोनेंट कैसे चूज करते हैं, कंपोनेंट एक्चुअली में होता क्या है, फेज क्या होता है. ओके, तो दिस रिएक्शन इज हैपनिंग एट द पेरिटेक्टिक पॉइंट. फॉस्फेट प्लस लिक्विड इज इक्वल टू एसिटेटाइट. नाउ दिस, साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है कि जो ये पी पे रिएक्शन हो रहा है ये वाला, ये कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे होगा, यानी कि एक ही टेम्परेचर पे होगा. फिर जब ये पूरा एसिटेटाइट बन जाएगा उसके बाद टेम्परेचर डाउन हो सकता है, ठीक है. और वो डिपेंड करेगा तीन केसेस पे जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे, ए बी एंड सी. ओके, तो पी पे हमें जो टेक्सचर देखने को मिलेगा वो कौन सा, रिएक्शन रिम वाला टेक्सचर देखने को मिलेगा. ओके, कैसे देखने को मिलेगा वो हम अभी डिस्कस करेंगे. रिएक्शन रिम को हम कोरोना टेक्सचर भी बोलते हैं. ऑलराइट, साथ ही साथ ऑन द राइट साइड ऑफ द यूटेक्टिक पॉइंट इन फिगर, दैट इज पॉइंट ई, द बिहेवियर ऑफ द फॉरस्टोइड SiO2 सिस्टम इज सिमिलर to that of the eutectic system such as diapside anorthite. तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है eutectic की, उसमें मैंने eutectic crystallization बताया था and melting बताई थी. तो इसमें यह बोल रहा है कि E के right side में, यानी कि ये हमारा point है, right? अगर मैं इसको दो half में divide कर दूं तो E के right side में जो composition, अगर मैं कोई सा भी लूंगा कहीं से भी liquid का, तो this will behave as a simple eutectic crystallization. Okay? साथ ही साथ अगर मैं P के राइट साइड में कोई सा भी कंपोजिशन लेता हूं, P के राइट साइड में, रिमेंबर P के राइट साइड में, यानी कि इस एरिया में कोई सा भी कंपोजिशन लूंगा, तो दिस विल आल्सो बिहेव एज अ यूटेक्टिक सिस्टम, राइट. आपको दिख रहा होगा इस वाले साइड में, राइट, एंड इस वाली साइड में अगर मैं कोई सा भी कंपोजिशन लूंगा मेल्ट का, तो दिस सिस्टम विल बिहेव एज अ यूटेक्टिक सिस्टम. लेकिन कहानी कहां से शुरू होती है पेरिटेक्टिक की, वो होती है पेरिटेक्टिक पॉइंट के लेफ्ट साइड से अगर हम कंपोजिशन लेते हैं, तो तभी मैंने ए बी सी पॉइंट यहां पे बता रखे हैं, ठीक है. तो इनको डिस्कस करेंगे, यहां वाले सिस्टम हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी सिंपल सा यूटेक्टिक सिस्टम बना हुआ है. ओके, इन दिस साइड. और फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूं कि कैसे. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बल्क कंपोजिशन लिया जिसमें SiO2 क्या है हमारा, लेट्स से 90% है. ओके, फॉरस्टोइड 10 एंड योर, सॉरी, द एसिटेटाइट फील्ड में आ जाएगा ना, तो एसिटेटाइट 10 एंड SiO2 90%, राइट. तो अब यहां पे क्या होगा, जैसे ही टेम्परेचर डाउन होगा पहला क्रिस्टल किसका बनेगा, सिलिका का बनेगा, SiO2 का बनेगा. और ऐसे करते 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 सिलिका बनता जाएगा और ई पॉइंट पे पहला क्रिस्टल किसका बनेगा, एसिटेटाइट का बनेगा, क्योंकि ये एसिटेटाइट का फेज है. ओके, दिस वन, तो यहां पे पहला क्रिस्टल बनेगा एसिटेटाइट का. देन दे विल बोथ साइमल्टेनियसली क्रिस्टलाइज डिपेंडिंग अपॉन द बल्क कंपोजिशन दैट वी हैव टेकन. और फिर उसके बाद ये इस फील्ड में आ जाएगा, एसिटेटाइट प्लस क्वार्ट्स के फील्ड में, ठीक है. तो इस तरीके से यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही होगा. अगर यहाँ से मैं एसिटेटाइट का बल्क कंपोजिशन लूंगा तो फर्स्ट क्रिस्टल ऑफ द एसिटेटाइट विल फॉर्म एंड देन इट विल रीच हियर एट द यूटेक्टिक पॉइंट. और यहाँ पे पहला क्रिस्टल किसका बनेगा, SiO2 का बनेगा. ओके, एंड डिपेंडिंग अपॉन द बल्क कंपोजिशन फिर ये टेम्परेचर डाउन करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो सॉलिड है टोटल वो आ जाएगा, यानी कि एसिटेटाइट प्लस क्वार्ट्स. ओके, तो ये कुछ है यूटेक्टिक वाला, बट हमारा फोकस आज रहेगा इन पॉइंट्स पे जो कि ये वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इनमें ज्यादातर कंफ्यूजन रहता है. सो वी विल डिस्कस दीज पॉइंट्स. तो होपफुली यहां तक आपको एक ब्रीफ आइडिया हो गया होगा कि क्या पढ़ने वाले हैं हम. सो दिस इज नोन एज बाइनरी पेरिटेक्टिक सिस्टम, जिसमें क्या है हमारा फॉस्फेट एंड सिलिका सिस्टम है. ये आपको ध्यान में रखना है कि ये आइसोबारिक सिस्टम है, इसमें यानी कि प्रेशर हमने कांस्टेंट रखा है. प्रेशर कांस्टेंट होगा तो P प्लस F इज इक्वल टू C प्लस 1 होगा, ये आपको ध्यान में रखना है. ओके, और अगर टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा तो सेम रिएक्शन रहेगा, लेकिन सेम अपना फॉर्मूला रहेगा. लेकिन अगर प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट रहते हैं देन द फॉर्मूला विल बी योर सिंपल पी प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस 2. ओके, यहाँ पे 2 आ जाएगा.
तो ये हमने पढ़ लिया है कि जो Mg2SiO4 इज द मैग्नीशियम एंड मेंबर ऑफ द ऑलिविन एंड द सिलिका मिनरल इज कॉमनली क्वार्ट्ज। साथ ही साथ द सिस्टम कंटेन्स इंटरमीडिएट कंपाउंड जो कि है एंस्टेटाइट हमारा। ओके तो यहाँ पे हमारा एंस्टेटाइट आ गया, इधर हमारा फॉस्फेट 100% आ गया, इधर क्वार्ट्स आ गया। ओके बट रिमेंबर कंपोनेंट विल बी ओनली फॉस्फेट एंड क्वार्ट्स नॉट एंस्टेटाइट। नाउ द कंपोनेंट्स विल ओनली बी टू सिंस Mg2SiO4 एंड SiO2 कैन डिफाइन ऑल थ्री केमिकल कंपाउंड्स हियर, राइट। Mg2SiO जो मैंने फिर से बताया, जो पहले भी बताया अभी, कि Mg2SiO4 एंड SiO2 को हम अगर हम प्लस कर देंगे तो ये एसिटाइट बना देगा, ठीक है। तो ये तीनों को डिफाइन कर रहा है, ये दोनों कंपोनेंट हमारे तीनों कंपोनेंट को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। एक बात आपको ध्यान में रखनी कि Mg रिच ऑलिविन जो है वो एंड क्वार्ट्स कैन नेवर को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम इन इग्नियस रॉक्स। ओके तो ऑलिविन एंड क्वार्ट्स आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा साथ में, और वो इस फेज डायग्राम से भी पता चल रहा है। फॉरस्टवेट का फेज डायग्राम, फॉरस्टवेट का फेज डायग्राम हमारा ये है, ठीक है। ये जो फॉरस्टवेट का फेज है वो ये है, ठीक है। यहाँ पे फॉरस्टवेट एंस्टेटाइट का फेज है, मैं इसको अगर पूरा ग्रीन कर देता हूँ, ओके। एंड हमारा जो क्वार्ट्स का फेज होगा वो एक तो ये होगा, राइट एंड ये वाला भी होगा क्योंकि इसमें एस्टेराइड क्वार्ट्स है, बट आपको कहीं भी फॉरस्ट्रॉइड प्लस क्वार्ट्स नहीं दिख रहा होगा, राइट। यहाँ पे सिलिका है, यहाँ पे क्वार्ट्स एंस्टेटाइट है, लेकिन फॉरस्ट्रॉइड एंड क्वार्ट्स कहीं नहीं दिखेगा। फॉरस्ट्रॉइड एंस्टेटाइट आपको दिख जाएगा यहाँ पे, लेकिन फॉरस्ट्रॉइड एंड क्वार्ट्स वाला फेस कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता एक साथ, ठीक है। और यह बोन रिएक्शन सीरीज से भी पढ़ सकते हो, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है। ओके तो इसमें एक एक्सेप्शन है जो कि है जो एफ ए रिच एंड का ऑलिविन होता है, जिससे मैंने क्वेश्चन पूछा था, यानी कि उसे फाइलाइट बोलते हैं। ओके एफ ए ऑलिविन होता है, वो कभी कभी को एग्जिस्ट कर सकते हैं SiO2 के साथ इन एक्सट्रीम कंडीशंस। ओके तो टोटल फेज हमारे यहां पे कितने हैं, अगर पूरे डायग्राम में देखें तो टोटल हमारे सिक्स फेजेस हैं। ओके कौन कौन से सिक्स फेजेस हैं, 100% लिक्विड, सिलिका एंड लिक्विड नंबर टू, एसिटेट एंड लिक्विड यानी कि ये वाला नंबर थ्री, फॉरस्टेट एंड लिक्विड नंबर फोर, फॉरस्टेट एंसेटाइट नंबर फाइव एंड एसिटेट एंड क्वार्ट्स योर नंबर सिक्स। तो टोटल आर सिक्स फेजेस, इस तरीके से आपको गिनना है। और फेज क्या होता है ये मैंने पहली वीडियो में डिस्कस किया है। तो अब हम शुरू करते हैं पहला केस, यानी कि वो बल्क कंपोजिशन जो 0 से 35% सिलिका पे है। तो अगर आपका सिलिका है 35%, तो 35% जनरली हम पेरिटेक्टिक पॉइंट पे लेते हैं। तो अगर मैं यहां से लाइन ड्रॉ करता हूं, तो ये स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ की, तो ये समवट अराउंड हमारा 35 पे आ रही है, राइट। ये वाली लाइन, ठीक है। तो 35% ऑफ सिलिका SiO2, रिमेंबर दिस कंपोजिशन इज शोन हियर ऑफ सिलिका, 100% सिलिका 0% सिलिका, तो इसको लेके चलिए, अब कंफ्यूजन मत होना। अब 0 से 35% अगर मैं कोई बल्क कंपोजिशन लूंगा तब हम उसके केसेस देखेंगे। तो तीन केसेस यहां पे बनते हैं, एक तो वो जो है हमारा 0 से 30 के बीच, ओके 0 से 30 के बीच, फिर हमारा 30 वाला जो कि बी है हमारा 30 पे आ रहा है, और फिर हमारा सी जो कि 30 से 35% के बीच है, ठीक है।
SiO2। तो पहला केस हम लेंगे ए, यानी कि जो 12% पे आ रहा है, तो यहां पे हमारा 12 है। ओके, सो ए यानी कि इस मेल्ट में सिर्फ 12% SiO2 है। ओके, सो यहां पे लिखा हुआ है कि सिस्टम बिटवीन 0 to 35% ऑफ द सिलिका कंपोनेंट बिहेव समवट डिफरेंटली बिकॉज दे पास थ्रू द पेरिटेक्टिक पॉइंट। तो 35% से इधर वाला सिर्फ सिंपल यूटेक्टिक के तौर पे बिहेव कर रहा था, राइट? बट 35% से इधर यानी कि 0 से 35% में जितने भी कंपोजिशन होंगे दे विल बिहेव डिफरेंटली। और कैसे बिहेव करेंगे? तीन केसेस में बिहेव करेंगे, पहला ए, बी एंड सी। तो इसको हम पढ़ेंगे, ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन द थ्री फंडामेंटली डिफरेंट सिचुएशन कैन बी रिकॉग्नाइज ए बी एंड सी इन डायग्राम। तो पहला हम ए को लेके चलेंगे। देखो ए में सिलिका का कंपोजिशन 12% है उस मेल्ट में, ओके, विच इज लेस देन 30% ऑफ सिलिका कंपोनेंट। तो होगा क्या, लेट से हमने ए पॉइंट लिया अराउंड 1890 डिग्री सेल्सियस के आसपास, हमने इसको कूल किया, ठीक है? तो ये पॉइंट पहुंच गया यहां पे, यानी कि जैसे ये लिक्विडस पे पहुंचेगा, ये हमारी लाइन लिक्विडस है, रिमेंबर, राइट? ये कर्व लाइन है ना, यानी कि इससे ऊपर पूरा लिक्विड है और यहां पे फॉरेस्टोइड प्लस लिक्विड है, यानी कि फॉरेस्टोइड के क्रिस्टल प्लस लिक्विड, ओके, यहीं पे, और इस फेस के नीचे सॉलिड क्रिस्टल ऑफ फॉरेस्टोइड एंड एनसेटाइड, यहां पे कोई लिक्विड नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे ही हमने टेम्परेचर डाउन किया, वैसे क्या हुआ, फर्स्ट क्रिस्टल्स ऑफ फॉरेस्टोइड विल फॉर्म। ओके, तो हियर 1810 डिग्री सेल्सियस पे, दिस इज 1800, दिस विल बी 1810 डिग्री सेल्सियस, ओके, तो फर्स्ट क्रिस्टल्स ऑफ फॉरेस्टोइड विल फॉर्म, begin to separate, okay? Continued cooling causes additional forestoid to separate from the melt, which causes the melt composition to evolve down the liquidus toward the peritectic. अब continued cooling होगी, तो melt इस direction में move करेगा नीचे, यानी कि P की तरफ move करेगा, okay? तो forestoid जैसे ही melt से separate होता जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि melt जो होगा फिर SiO2 में rich होता जाएगा, right? आप देख रहे हैं यहां से 12% से इधर उधर जाके जाएगा, ओके, राइट हैंड साइड की तरफ। अब हम देखते हैं कि 1700 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा। तो एट 1700 डिग्री सेल्सियस यानी कि इस पॉइंट पे जब ये पहुंचेगा, ठीक है, इसको मैं एफ पॉइंट बता देता हूं, इस पॉइंट पे पहुंचेगा, द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 50% फॉरेस्टोइड एंड 50% मेल्ट। तो यहां पे मैं अगर लीवर रूल भी लगाऊं तो लीवर रूल किस टाई लाइन से लगेगा हमारा, इस टाई लाइन से, राइट? अब मैंने लीवर रूल में बताया था कि अगर टाई लाइन जो पार्ट, इसमें दो पार्ट है टाई लाइन के, एक डब्लू पार्ट है, एक एक्स पार्ट इसने दे रखा है, ठीक है, और ये बीच में जो लाइन जा रही है बल्क कंपोजिशन की लाइन जा रही है, जहां से हमने शुरू किया था, ठीक है, ए पॉइंट के लिए। अब जो पोर्शन लिक्विडस को टच कर रहा है, यानी कि एक्स वाला पोर्शन लिक्विडस को टच कर रहा है, तो वो हमारा क्रिस्टल का कंपोनेंट होगा, ओके, एंड डब्ल्यू वाला हमारा फिर लिक्विड का कंपोनेंट हो जाएगा, ऑब्वियसली। अब यहां पे हमें कैसे लीवर रूल लगाना है, अब देखिए 1700 डिग्री सेल्सियस पे अगर हमें टाई लाइन की यूनिट्स निकालनी है, ये कैसे निकालेंगे, कितनी यूनिट्स होंगी, तो यहां से मैं स्ट्रेट लाइन डाउन करूंगा, ओके, कुछ स्ट्रेट लाइन ऐसे डाउन करिए, तो इसका कंपोजिशन जो होगा 24% पे आएगा, ठीक है, यानी कि टाई लाइन 0 से 24 है, राइट? 0 से 24 है, तो टोटल टाई लाइन की लेंथ कितनी होगी, 24 यूनिट्स, ओके, एंड हियर इज योर 0 to 12, तो ये भी 12 हो जाएगी, ठीक है, मतलब जो W है 0 से 12 है ना, यानी कि 12 यूनिट्स है, तो यहां पे हम 12/24 एंड 12/24 करेंगे, तो टोटल 50% फॉरेस्टोइड एंड 50% मेल्ट देखने को हमें मिलेगा, ओके, एट F। अब हम क्या करेंगे, और कूल करेंगे, तो टेम्परेचर डाउन होगा, अब ये पहुंचेगा पेरिटेक्टिक पॉइंट पे।
अब हम पेरिटेक्टिक पॉइंट पे देखते हैं कि इस वाले कंपोजिशन के लिए यानी कि जो हमने 8-12% सिलिका पे लिया था वो कैसे बिहेव करेगा। तो यहां पे क्या होगा, फर्दर कूलिंग एंड सेपरेशन ऑफ फॉस्फेट क्रिस्टल्स कॉजेस मेल्ट कंपोजिशन टू अप्रोच द पेरिटेक्टिक पॉइंट एट 1580 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो 1580 या 1585 डिग्री सेल्सियस पे हमारा पेरिटेक्टिक पॉइंट आ जाएगा। तो ये फिर से डाउन डाउन होगा। Where the liver rule shows that the system contains 66% of forstroite and 34% of the melt, okay, at 35% silica component. तो peritactic point हमें पता 35 पे है, okay? तो कैसे पता चला हमें कि 66% forstroite की crystal बने and 34% melt बचा हुआ है? Let just calculate for by liver rule, okay? फिर से. तो let me just Erase this one. I hope ये पता चल गया होगा आपको कि 50-50 कैसे आया और कैसे हमने यूनिट्स देखनी है टाई लाइन की। तो एट पी 4A, रिमेंबर 4A, 4A केस, अभी हम A केस को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज अवर टाई लाइन, यानी कि अगर हम यहां से नापेंगे तो ये 0 to 35 पे आएगी। रिमेंबर ये वाली लाइन है, ओके, सो दिस इज एट 35% ये, ठीक है, ये पॉइंट। तो 0 to 35 है, बल्क कंपोजिशन जो था हमने लिया था वो 12 पे लिया था, 12% पे। तो ये वाली लाइन कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, और 35 माइनस 12 कितना बचा, 23। तो ये वाली अपनी 23 हो जाएगी, राइट। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे 23 अपॉन 35 एंड 12 अपॉन 35, अब आपको ध्यान में रखना है, मैं फिर से बोल रहा हूं कि जो फॉरस्ट्रेट वाली लाइन होगी वो लिक्विडस को टच करेगी, यानी कि क्रिस्टल परसेंट जो दिखाएगा वो लिक्विडस को टच करेगा। यहां पे अपने दो पोर्शन है ना, ओके, तो दिस विल टच द लिक्विडस एंड दिस विल रिप्रेजेंट योर मेल्ट कि कितना मेल्ट बना है, ओके, सो दिस विल कम अराउंड अप्रोक्सीमेट 66% ऑफ फॉरस्ट्रेट क्रिस्टल्स एंड दिस विल कम अराउंड अप्रोक्स 34% ऑफ मेल्ट, ठीक है, जो कि यहां पे लिखा हुआ भी है। तो यहां पे एक आपको ध्यान में रखना है कि फॉरस्ट्रेट के क्रिस्टल्स बहुत ज्यादा हैं और मेल्ट जो है वो बहुत कम है। अब होगा क्या, फोर The compositions which are between 0 to 30% of silica, remember 0 to 30%, यानी कि ये वाले, क्योंकि ये हमने 12% लिया था, अगर हम 24% लेते या 27% लेते, कुछ भी लेते, 1% से लेके 27% तक क्या होगा, तो मैं 12 का केस दे रहा हूं उसमें, ठीक है ना, तो पेरिटेक्टिक पॉइंट पे क्रिस्टलाइजेशन रुक जाएगा 0 to 30% के बीच अगर हम सिलिका का कंपोजिशन लेंगे। यहां पे मैंने केस डिस्कस किया 12% ऑफ सिलिका, ओके, तो साथ ही साथ क्रिस्टलाइजेशन स्टॉप इसलिए होगा यहां पे क्योंकि हमने जो बल्क कंपोजिशन लिया था वो क्या लिया था, 12% लिया था, ठीक है। अब 12% किस फील्ड में आ रहा है, फॉरस्ट्रोइड एंड एंसर्टाइड के फील्ड में आ रहा है, ठीक है, यानी कि 0 से 30% के बीच हम कोई सा भी कंपोजिशन लेंगे मेल्ट का, वो जो क्रिस्टलाइज होगा वो फॉरस्ट्रोइड एंड एंसर्टाइड में ही क्रिस्टलाइज होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। सो इट विल नॉट गो बियॉन्ड द पेरिटेक्टिक पॉइंट एंड एंटर इन टू द एंसर्टाइड फील्ड, ओके, प्योर एंसर्टाइड फील्ड, ये प्योर एंसर्टाइड का फील्ड है, तो यहां ये ऑब्वियसली एंटर नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि हमारा जो बल्क कंपोजिशन है मेल्ट का, दैट इज योर फॉरस्ट्रोइट एंड एंस्टेटाइट वाले फील्ड का है, ठीक है। सो इक्विलियम मेल्टिंग में क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन भी फॉरस्ट्रोइट एंड एंस्टेटाइट वाले फील्ड में ही होगा। तो बिलो दिस टेम्परेचर, यानी कि पेरिटेक्टिव भी तो हमारा फॉरस्ट्रोइट 66% एंड 34% मेल्ट है। अब होगा क्या, बिलो दिस टेम्परेचर द सिस्टम एंटर्स 100% सॉलिड फॉरस्ट्रोइट प्लस एंस्टेटाइट फील्ड विद 60% फॉरस्ट्रोइट ओलिवीन एंड 40% एंस्टेटाइट। तो पेरिटेक्टिक पॉइंट में क्या बन रहा है, हमारा जो 66% फॉरस्ट्रोइट थे उन्होंने
क्या किया, मेल्ट के साथ रिएक्ट करके 40% ओलिविन बना दिया, ठीक है। तो मेल्ट पूरा कंज्यूम हो गया, तो हमारे पास 40% ओलिविन एंड 60% क्या बच गया, फॉरेस्टेट बच गया। अब ये 40% कैसे आया, देखो एट एग्जैक्ट मोमेंट जब ये पाथ पी पे पहुंचा तो हमारे पास 66% फॉरेस्टेट था, लेकिन अब ये एंटर करेगा हमारे जब हम कूल डाउन करेंगे 1585 से नीचे करेंगे, तो सिंस इनिशियल बल्क कंपोजिशन वाज ऑफ फॉरेस्टेट एंस्टेटाइट, ठीक है, तो ये सॉलिड फेज में आ जाएगा फॉरेस्टेट एंस्टेटाइट के। तो इस टाइलाइन के जरिए हम फाइनल कंपोजिशन फाइनल क्रिस्टल परसेंट ऑफ फॉरेस्टेट एंड एंस्टेटाइट निकाल सकते हैं। कैसे, देखो लाइन सेगमेंट जेड विल रिप्रेजेंट हियर द क्रिस्टल क्रिस्टल परसेंट ऑफ फॉरेस्टेट, ओके, ये आपको ध्यान में रखना है, और ये रिप्रेजेंट करेगा वाई एंस्टेटाइट का कंपोजिशन, ठीक है, क्रिस्टल परसेंट। तो यहां तक हमारा 12 हो गया ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन कितनी हो जाएगी, दिस विल बी योर 18, राइट, 18 तो होगी क्योंकि ये 0 से 30 है, टोटल टाई लाइन कितनी है, 0 से 30 है, तो 18/30 एंड 12/30, ठीक है, और इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 40% ऑफ एंस्टेटाइट एंड दिस विल बी योर 60%, ओके, इन 200। तो हमारे पास 60% फॉरेस्टेट के क्रिस्टल एंड 40% एंस्टेटाइट के क्रिस्टल एंड में बन जाएंगे फॉर बल्क कंपोजिशन 12%, ठीक है, यानी कि 0 से 30 के बीच, ठीक है, 0 से 30 के बीच यानी कि इस पॉइंट इस फील्ड के बीच कोई सा भी अगर हम कंपोजिशन लेंगे तो उसका जो एंड रिजल्ट होगा वो कुछ ऐसे ही आएगा, ठीक है, यानी कि एंड में क्रिस्टल किसी के बनेंगे, फॉरेस्टेट एंड एंस्टेटाइट के बनेंगे वाया पेरिटेक्टिक रिएक्शन। एंस्टेटाइट कहां से आ रहा है, पेरिटेक्टिक रिएक्शन से आ रहा है, ये हमने पहले भी पढ़ लिया था। अब टेक्सचर की बात करें तो टेक्सचर कौन सा बनता है, ये इंपॉर्टेंट है, कोरोना टेक्सचर पी पॉइंट पे बनता है। तो ये आपको कोरोना टेक्सचर दिख रहा है, सबसे पहले हमारा फॉरेस्टेट बनेगा, ठीक है, फिर वो मेल्ट के साथ रिएक्ट करके एंस्टेटाइट बना देगा, तो ये बाहर वाला पोर्शन जो है वो एंस्टेटाइट का है एंड कोर इज योर फॉरेस्टेट। नाउ दिस इज द रियल पिक्चर ऑफ ओलिविन एंड ऑर्थोपैरेक्सिन या फॉरेस्टेट आप कहें एंड एंस्टेटाइट कहें, तो इसको कोरोना टेक्सचर बोलते हैं। देखो जो न्यूक्लियस है इसका ये ओलिविन का है, फॉरेस्टेट का है, एंड दिस मेंटल पोर्शन हियर इज योर एंस्टेटाइट, ओके। सो दिस वॉज द पाथ ऑफ बल्क कंपोजिशन बिटवीन 0 to 30%, ओके, यहाँ पे 35% हमने टोटल तीनों के लिए ले रखा है, ये आपको ध्यान में रखना है, ओके, ए बी सी के लिए, लेकिन सिंस ए की बात करेंगे तो ए लेस देन 30% वाले के लिए, ठीक है, और उसमें हमने एग्जांपल 12% का लिया है। आप कुछ भी ले लो इसमें, 1% ले लो, 2% से ले लो, ठीक है, और या 29% ले लो, सबका हश्र ये होगा कि एंड में जो क्रिस्टल बनेगा फॉर इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन वो फॉरेस्टेट एंस्टेटाइट का ही बनेगा, ओके, बिकॉज वी आर टेकिंग द लिक्विड ऑफ फॉरेस्टेट एंस्टेटाइट फील्ड, ओके, सिंस द इनिशियल बल्क कंपोजिशन वॉज इन द फील्ड ऑफ फॉरेस्टेट एंस्टेटाइट। अब हम बोलेंगे, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट यहां पे इंपॉर्टेंट है। तो मेल्ट जब पेरिटेक्टिक पॉइंट पे रीच करेगा तो क्या होगा, द परसेंटेज ऑफ सॉलिड इंक्रीजेस ऑब्वियसली, ठीक है, पहला फॉरेस्टेट के क्रिस्टल बनेंगे, मेल्ट इज यूज्ड अप, द परसेंटेज ऑफ सॉलिड फॉरेस्टेट डिक्रीजेस व्हाइल द परसेंटेज ऑफ सॉलिड एंस्टेटाइट इंक्रीजेस ड्रामेटिकली। तो आपने अभी देखा कि जब हम पेरिटेक्टिक पॉइंट पे पहुंचे थे तो 66% फॉरेस्टेट बना था, ठीक है, एंड 34% हमारा मेल्ट था, लेकिन जब रिएक्शन पूरा हुआ तो जो फॉरेस्टेट था वो 66% से 60% पे आ गया, एंड जो एंस्टेटाइट था वो ड्रामेटिकली सीधा 40% बन गया, ठीक है, यानी कि जो 6% फॉरेस्टेट था उसने बाकी 34% मेल्ट के साथ रिएक्ट करके हमारा 40% एंस्टेटाइट बना दिया। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ओके, द परसेंटेज ऑफ फॉरेस्टेट डिक्रीजेस बिकॉज सम ऑफ द फॉरेस्टेट यानी 6% रिएक्ट विद द सम ऑफ रिमेनिंग मेल्ट टू प्रोड्यूस एंस्टेटाइट, और साथ ही साथ इसमें साइमल्टेनियसली एंस्टेटाइट भी बन रहा है, ओके,
So olivine is converted to acetate, while new acetate crystallizes simultaneously from the remaining melt until it is used up. Okay, तो इसमें क्या होगा कि जो 6% क्रिस्टल थे उसने 6% की लगभग ऑलिविन बनाया होगा, बाकी हमारा जो 28% मेल्ट था वो खुद ही खुद क्रिस्टलाइज होकर एस्टेटाइट बन गया. ठीक है, सो फॉर ऑल कंपोजिशन ऑफ लेस देन 30% सिलिका द इक्विलिब्रियम बिहेवियर विल बी वर्स. व्हाट, फर्स्ट पहला क्रिस्टलाइज होगा, फिर इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन ऑफ ऑलिविन एंड डिक्रीजिंग प्रोपोर्शन ऑफ मेल्ट. एज द मेल्ट कूल्स ऑब्वियसली पहले क्रिस्टल का कंपोजिशन, क्रिस्टल के परसेंट ज्यादा होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था धीरे धीरे करके क्रिस्टल ज्यादा बन रहे हैं. यानी कि देखो यहाँ पे 50% था फॉरेस्टेड एंड 50% मेल्ट था, सॉरी यहाँ पे. ठीक है, लेकिन जैसे जैसे नीचे जा रहे थे वैसे वैसे अपना फॉरेस्टेड इंक्रीज हो रहा था, और पेरिटेक्टिक पॉइंट पे जब रिएक्शन पूरा होगा तो फॉरेस्टेड कम हो जाएगा थोड़ा सा. So some forestoid always remain there because there is insufficient silica component to convert all of into intermediate compound acetate. तो यहाँ पे एक बात और भी है क्योंकि 66% हमारा forestoid बना है peritactic पे, और जब liquid 34% है तो liquid का percent इतना ज्यादा नहीं है कि पूरे के पूरे forestoid को कन्वर्ट करके एस्टेटाइट बना दे. ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज सिलिका अंडर सैचुरेटेड एंड हेंस इट कैन नॉट गो बियॉन्ड द पेरिटेक्टिक पॉइंट. ओके, तो 0 से 30% सिलिका अंडर सैचुरेटेड हम इसको बोलेंगे. पॉइंट बी की बात करें तो पॉइंट बी में क्या होगा, सिस्टम्स विद एग्जैक्टली 30% सिलिका कंपोनेंट हैव द कंपोजिशन ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड, यानी कि प्योर एस्टेटाइट. तो आप देखो कि ये जो बी है, यानी कि 30% सिलिका पे ये किस फील्ड में आ रहा है, अपना प्योर एस्टेटाइट के फील्ड में आ रहा है. तो जो इनिशियल बल्क कंपोजिशन अगर हम 30% लेंगे तो फाइनल बल्क कंपोजिशन में क्या होगा, हमारा एस्टेटाइट ही रॉक बनेगी. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पहले हमने कब लिक्विड को कूल किया, ठीक है, इस पॉइंट पे ये आया, लेट्स से इसको हम ई पॉइंट बोलते हैं. ठीक है, अब ई पॉइंट पे फॉरेस्टेड के क्रिस्टल प्रोड्यूस होंगे. व्हाई, क्योंकि ये फॉरेस्टेड के फील्ड में है. ठीक है, सो फर्स्ट क्रिस्टल्स विल बी ऑफ फॉरेस्टेड. धीरे धीरे लिक्विड कहां पहुंचेगा, पेरिटेक्टिक पॉइंट पे पहुंचेगा. तो अब हम देखते हैं कि पेरिटेक्टिक पॉइंट पे कितना परसेंट क्या है, क्रिस्टल बना है और कितना परसेंट मेल्ट है. नाउ ये हमारा 35% है यहां पे, तो हम लीवर रूल के जरिए फाइंड आउट कर सकते हैं. Let me draw a line here. This is our 35%, right? ये point. Okay. और ये P point पे हम इसकी बात करेंगे, यानी कि जो हमने B का composition लिया था. और tie line को देखते हैं. This one will be your tie line, okay? Total. तो अब हम देखेंगे जो लिक्विड वाली साइड है टाई लाइन की वो कितना है, इतनी है, राइट. और जो सॉलिड वाली है यानी कि फॉरेस्टेड के जो बनेंगे क्रिस्टल्स वो एट पी कितने बनेंगे, दिस मच. ओके, तो इसको हम अगर नापेंगे तो ये है 5, राइट, ये 5 होगा ना, 35 ये और 30 ये, क्योंकि बल्क कंपोजिशन हमने 30 लिया ना, तो 5/35. और ये टोटल लिक्विड साइड को रिप्रेजेंट करेगा, तो यानी कि 30/35. ओके, तो ये लगभग 14% के आसपास आएगा. ओके, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कर सकते हो. सो इफ यू कैलकुलेट दिस पॉइंट हियर, दिस इज योर 14%. ओके, एंड दिस विल कम अराउंड 86%. सो 86% हमारा पेरिटेक्टिक पॉइंट पे मेल्ट है, एंड 14% इज योर फॉरेस्टेड क्रिस्टल एट द पेरिटेक्टिक पॉइंट. तो ये कब होता है, जब सिंस एस जब ये पेरिटेक्टिक पॉइंट पे पहुंचेगा उस समय का सीन है. ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस, डिसकंटिन्यूअस रिएक्शन बिटवीन द मेल्ट एंड द फॉरेस्टेड क्रिस्टल्स कन्वर्ट ऑल द फॉरेस्टेड क्रिस्टल्स टू एस्टेटाइट. अब आपको ये ध्यान देखना है कि 14% क्योंकि फॉरेस्टेड का क्रिस्टल है और 86% मेल्ट है, तो मेल्ट हमारे पास इतना ज्यादा है कि वो फॉरेस्टेड को पूरा कंज्यूम कर लेगा. सो फॉरेस्टेड
14% will react with the 86% of the melt to produce acetate. Okay, तो यहां पे पूरा का पूरा फॉस्फेट कंज्यूम हो जाएगा एंड इट विल बिकम और रिएक्ट विद द लिक्विड टू प्रोड्यूस प्योर एसिटाइट. ओके, एंड हेंस द फाइनल बल्क कंपोजिशन ऑफ द सॉलिड विल बी दैट ऑफ प्योर एसिटाइट, क्योंकि हमने इनिशियल बल्क कंपोजिशन क्या लिया था, 100% यानी कि प्योर एसिटाइट लिया था. ओके, जो कि ये है. ऑलराइट, सो दिस इज द सेकंड केस, यानी कि जब बल्क कंपोजिशन 30% सिलिका होगा. पहले केस में हमने क्या देखा था, जब बल्क कंपोजिशन लेस देन 30% सिलिका. नाउ वी विल टेक द पॉइंट सी केस, और इसमें हम देखेंगे जब बल्क कंपोजिशन क्या होगा, बिटवीन 30-35% ऑफ सिलिका. ओके, सो 30-35% के बीच में हमने एक पॉइंट ले लिया 33% फॉर एग्जाम्पल. ओके, इसको आप 34% भी ले सकते हो. ओके, या 32% भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, बट हमने फॉर एग्जाम्पल के लिए सी पे हमने 33% सिलिका लिया. अब हम देखते हैं कि जब 33% सिलिका हम बल्क कंपोजिशन लेंगे तो किस तरीके से हमारा मेल्ट जो है वो बिहेव करेगा. सो सिस्टम्स विद सिलिका कंपोनेंट्स ऑफ 30-35% ऑफ सिलिका आर ओवर सैचुरेटेड विद रिस्पेक्ट टू सिलिका एंड दस एक्सिबिट अनदर सेट ऑफ बिहेवियर्स. ओके, तो हमने पहले पॉइंट में देखा था कि यहां पे हमारा बल्क कंपोजिशन क्या था, अंडर सैचुरेटेड था सिलिका के, यानी कि 0-30%. तो इतना हमारे पास सिलिका का मेल्ट नहीं था कि वो पूरे के पूरे फॉस्फेट क्रिस्टल को कंज्यूम करके एस्टेटाइट बना दे. ओके, पेरिटेक्टिक रिएक्शन यहां भी हो रहा है. ये आपको ध्यान में रखना कि पेरिटेक्टिक रिएक्शन तीनों केसेस में हो रहा है. ओके, एट ए, एट बी, एट सी, क्योंकि यहां पे एस्टेटाइट तो बन ही रहा है और यहां पे भी एस्टेटाइट बन रहा है एंड में, और यहां पे भी बनेगा. बट पाथ किस उसमें आगे जा रहा है, पाथ सिर्फ 30-35% जब हम बल्क कंपोजिशन लेंगे तब पी से आगे बढ़ेगा. ओके, सो द बल्क कंपोजिशन इज दैट ऑफ एसिटाइट एंड क्वार्ट्ज. तो सी पे हमारा जो मेल्ट का बल्क कंपोजिशन है वो कितना है, एसिटाइट एंड क्वार्ट्ज फेज के बीच आ रहा है. ठीक है, यानी कि इस फील्ड में आ रहा है. तो आपको ध्यान रखना है कि जो फाइनल बल्क कंपोजिशन होगा इक्विलिब्रियम मेल्टिंग में, इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन में, वो क्या होगा, एसिटाइट एंड क्वार्ट्ज का ही होगा. ओके, सो द फाइनल सॉलिड विल कंटेन ओनली एसिटाइट एंड क्वार्ट्ज. सो लेट्स सी हाउ द पाथ इज प्रोड्यूस्ड. सो सिस्टम कूल्स टू द लिक्विड एट 1650. तो 1650 के आसपास हमने इसको पॉइंट को बनाया सी के लिए. एंड यहां पे क्योंकि ये पॉइंट फॉरस्ट्राइट के फील्ड में आएगा तो पहला क्रिस्टल किसका बनेगा, फॉरस्ट्राइट का बनेगा. ओके, कंटिन्यूड सेपरेशन ऑफ फॉरस्ट्राइट कॉजेस मेल्ट कंपोजिशन टू इवॉल्व डाउन द लिक्विडस टुवर्ड्स द पेरिटेक्टिक. अब हम फिर से पेरिटेक्टिक पॉइंट पे पहुंच गए. अब क्या होगा, एज द मेल्ट कंपोजिशन रीचेस द पेरिटेक्टिक द लीवर रूल शोज दैट द सिस्टम कंटेन्स 6% फॉरस्ट्राइट एंड क्रिस्टल्स फॉरस्ट्राइट क्रिस्टल्स एंड 94% मेल्ट. तो यहां पे आपको दिख रहा है कि जैसे जैसे हम सिलिका को सैचुरेट करते जा रहे हैं मेल्ट में, वैसे वैसे हमारे फॉरस्ट्राइट कम बनता जा रहा है. ओके, यहां पे 6% हो गया, पहले केस में 14% था. तो यहां पे हम लीवर रूल के जरिए फाइंड आउट कर सकते हो. कैसे, हमारी टाई लाइन इज दिस फॉर दिस वन. ओके, सी, और ये पी हमें पता है 35 पे है. तो टोटल टाई लाइन इज अवर, सॉरी, टाई लाइन हमारी पूरी ये होगी, नॉट दिस वन, ये पूरी टाई लाइन होगी. एंड हमें पता है कि पी 35 पे है तो टोटल टाई लाइन कितनी हो जाएगी, 35 यूनिट्स की हो जाएगी. राइट, एंड हमारा बल्क कंपोजिशन सी यहां पे है. अब हमारा जो लिक्विडस पे टच कर रहा है टाई लाइन, वो दिस इज अवर क्रिस्टल क्रिस्टल परसेंट. ओके, तो 35 माइनस 33, क्योंकि ये 33 पे है एंड पी वाली लाइन हमारी 35 पे है, ये आपको ध्यान में रखना. सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दीज टू. सो 35 माइनस 33 विल बी योर 2. तो जो 2 यूनिट्स टाई लाइन है वो हमारी क्रिस्टल परसेंट को दिखाएगी. राइट, सो 2/35 इज अराउंड 6% और बाकी बची हमारी 33. राइट, दिस होल विल रिप्रेजेंट योर लिक्विड पोर्शन. ओके, सो दिस इज अवर 33 और 33 यानी कि 33/35 इज इक्वल टू योर 94% ऑफ द मेल्ट. सो एट पेरिटेक्टिक
ऑल द फॉस्फेट इज कन्वर्टेड टू एस्टेटाइट, लेकिन विद द रिमेनिंग मेल्ट एंड एडिशनल एस्टेटाइट क्रिस्टलाइजेस बट ऑल्सो एडिशनल मेल्ट रिमेन्स। ओके, तो यहां पे 94% यानी कि मेल्ट इतना ज्यादा है कि पूरा का पूरा फॉस्फेट एस्टेटाइट में तब्दील होने के बाद भी हमारे पास मेल्ट बच जाता है। ओके, तो जब मेल्ट बच जाएगा तो होगा क्या, जब हमारा एस्टेट बन जाएगा पूरा, तो लीवर रूल के जरिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना मेल्ट है, सॉरी कितना मेल्ट है एंड कितना एस्टेटाइट का परसेंट है। ओके, तो उसके लिए हम फिर से लीवर रूल लगाएंगे पेरिटेक्टिक पे ही। एंड दिस विल रिप्रेजेंट after the phosphate crystals have reacted with the liquid to produce astatite, okay? तो अब हमारी tie line ये हो जाएगी, तो ये 30 से 35, यानी कि total tie line की unit कितनी हो जाएगी, 5, right? This one, और बीच में हमारा 33% है, so 35 minus 33 is equal to your 2, and ये हो जाएगा हमारा 3, तो लिक्विड विल रिप्रेजेंट 3 एंड एस्टेटाइट क्रिस्टल विल रिप्रेजेंट 2, तो 40% ऑफ 2/5 इज इक्वल टू 40% ऑफ एस्टेटाइट एंड 3/5 इज इक्वल टू 60% ऑफ द मेल्ट। ओके, अब होगा क्या, यहां पे आप कंफ्यूज मत होना, पहले तो हमने फॉस्फेट के लिए निकाला और अब जो सेकेंड वाला हम निकाल रहे हैं वो तब निकाल रहे हैं कि जब पूरा का पूरा फॉस्फेट कंज्यूम हो गया है पेरिटेक्टिक रिएक्शन के जरिए, एंड दिस represent when the melt enters the field of astatite and liquid, ये आपको ध्यान में रखना है, that's why यहाँ पे कोई phosphate नहीं है, क्योंकि phosphate already consume हो चुका है, so further cooling leads to the additional crystallization of astatite, okay, which causes the remaining melt to evolve under liquidus towards the eutectic, और उसके बाद हमारा ये क्या होगा, eutectic पे पहुंच जाएगा, okay, यानी कि 46%, तो यूटेक्टिक हमारा 46% पे है, तो जब 46% पे यूटेक्टिक पहुंच जाएगा, ये लिक्विड पहुंच जाएगा, तो हमारा फिर उसके जरिए हम निकालेंगे लीवर रूल के जरिए निकालेंगे, तो कितना बचेगा, देखो तो टोटल टाइलाइन कितनी होगी हमारी, ये वाली हो जाएगी लीवर रूल पे, हम अगर क्रिस्टल परसेंट निकालेंगे। ओके, सो दिस इज योर 16, टोटल यूनिट 16 है टाइलाइन की, टोटल यूनिट, and this is 3 units and this one is your 13 units, right? So 13 unit will represent your astatite crystals, yani ki 13/16, where 81% of the astatite are forming at the eutectic and 19% of the melt is remaining at the eutectic, okay, 3/16. Ab ye scene tab ka hai jab immediately wahan pe pahunch raha hai, eutectic pe pahunch raha hai, okay, lekin अब यूटेक्टिव पे क्या होगा, पूरा का पूरा मेल्ट जो होगा, रिमेनिंग मेल्ट विल कंज्यूम एंड क्वार्ट्ज विल क्रिस्टलाइज साइमल्टेनियसली, तो जो फाइनल रॉक का कंपोजिशन क्या होगा, 96% ऑफ द एस्टेटाइट एंड 4% ऑफ द क्वार्ट्ज। ओके, तो फाइनल रॉक का कंपोजिशन हम निकाल सकते हैं टोटल इससे, यानी कि टाइलाइन विल बी दिस वन। ओके, तो फाइनल का टाइलाइन क्या होगा हमारा, ये होगा टोटल, लेकिन बल्क कंपोजिशन का ध्यान में रखना है, क्योंकि हमने बल्क कंपोजिशन क्या लिया था, 33% ऑफ द मेल्ट लिया था, तो ये लाइन सिर्फ ये वाली, यानी कि 3 यूनिट्स विल रिप्रेजेंट योर क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स। ओके, एंड बाकी की जितनी ये है 67 यूनिट्स, क्योंकि ये टोटल टाइलाइन कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएगी ना, 100 माइनस 30 अगर आप करोगे तो टोटल 70 यूनिट्स हैं ये। ओके, सो 67 विल रिप्रेजेंट योर एस्टेटाइट एंड जो 3 बची है वो रिप्रेजेंट करेगी हमारी क्वार्ट्ज की। ओके, तो 67 अपॉन 70 इज योर 96% ऑफ द एस्टेटाइट क्रिस्टल्स एंड 4% यानी कि 3/70 will represent your 4% of quartz, यानी कि टोटल
जब सॉलिड बनेगा हमारा एंड में, तो उसमें 94% क्या होंगे, एस्टेटिक क्रिस्टल होंगे, एंड जो 4% होंगे वो क्वार्ट्स के क्रिस्टल होंगे, ठीक है। क्योंकि हमने बल्क कंपोजिशन भी किस फील्ड से लिया था, एस्टेटाइट एंड क्वार्ट्स के फील्ड से लिया था। आपको दिख रहा होगा सी को अगर हम प्लॉट करेंगे नीचे तो वो इसी फील्ड में आएगा, ठीक है ना। तो इसमें ओलिविन पहला फिनोक्राइस्ट फेज होता है, ठीक है, लेकिन ओलिविन उसके बाद पूरा कंज्यूम हो जाता है, ओलिविन देन डिसअपीयर्स एंड क्वार्ट्स अपीयर्स, ओके। तो फर्स्ट ओलिविन जैसे ही पेरिटेक्टिव पे रीच करेगा, ओलिविन या फॉरस्टेट उसको बोलोगे, एस्टेटाइट के साथ रिएक्ट करेगा, सॉरी लिक्विड के साथ रिएक्ट करेगा, एस्टेटाइट बनेगा। जब ये पूरा ओलिविन रिएक्ट होके कंज्यूम हो जाएगा तो एस्टेटाइट फिर डाउन द यूटेक्टिक जाएगा, और यूटेक्टिक पे क्या हो जाएगा, हमारा क्वार्ट्स बन जाएगा, ओके, साइमल्टेनियसली। बस तो एस्टेटाइट प्लस क्वार्ट्स साइमल्टेनियसली क्रिस्टलाइज हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा केस सी, ओके। So composition in this system between 30 to 35% of the silica component clearly shows that minerals such as forestroite that are undersaturated with respect to silica, ठीक है, आपको पता है कि जो forestroite है या olivine जो होते हैं वो undersaturated होते हैं silica के, can crystallize from magma that are oversaturated with respect to silica। तो कहने का मतलब ये है कि अगर magma oversaturated भी है, यानी कि at C हमारा फॉरेस्ट्राइट तब भी बन रहा है, लेकिन ये एंड में कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। यहां तो बनेगा ही क्योंकि ये अंडर सैचुरेटेड है एट ए पॉइंट, राइट, लेकिन यहां पे तो हम 33% ले रहे हैं सिलिका को, तब भी क्या हो रहा है, यहां पे हमने 12% लिया था लेकिन ये सैचुरेटेड है, तो यहां पे तब भी फॉरेस्ट्राइट का क्रिस्टल बन रहा है लेकिन ये कंज्यूम हो जाएगा। तो कहने का मतलब वही है, ओके। सो देयरफॉर इट विल नॉट बी प्रिजर्व्ड, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, द सिस्टम फॉरेस्टेड सिलिका क्लियरली स्टेट द कंसेप्ट ऑफ सिलिका सैचुरेशन। अगर कंपोजिशन हम मोर देन 30% सिलिका लेंगे तो एंड मेंबर कंपोनेंट बाय वेट आर ओवर सैचुरेटेड विद रिस्पेक्ट टू सिलिका, ओके। तो 30% से ज्यादा को हम ओवर सैचुरेटेड बोलते हैं, ओके, ओवर सैचुरेटेड। ओके, सो दिस केस इज योर ओवर सैचुरेटेड। तो ओवर सैचुरेटेड होगा तो हमारा एस्टेटाइट बनेगा, ठीक है, एंड अगर एस्टेटाइट के साथ साथ एक्सेस सिलिका भी है तो यूटेक्टिक पे पहुंच जाएगा और क्वार्ट्स बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमने लीवर रूल से देखा था 94% मेल्ट बना हुआ था उस समय। अगर कंपोजिशन 0 से 30% के बीच या 30% से लेस है तो इसका मतलब है अंडर सैचुरेटेड, ओके, अंडर सैचुरेटेड विद रिस्पेक्ट टू सिलिका, सो दैट देयर इज इनसफिशिएंट सिलिका टू कन्वर्ट ऑल द फॉरेस्ट्राइट इनटू एसिटाइट। तो फॉरेस्ट्राइट पूरा कंज्यूम नहीं हो रहा था, हेंस क्वार्ट्स नहीं बन रहा था और पेरिटेक्टिक पॉइंट पे ही रिएक्शन रुक जा रहा था, ठीक है, यानी कि वहीं पे रिएक्शन रुक जा रहा था। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन की बात करें तो अभी तक आपको ध्यान में रखना है कि हम इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन की बात कर रहे थे, ठीक है, यानी कि हम चैंबर से क्रिस्टल्स को हटा नहीं रहे थे इमीडिएटली। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन में क्या होगा, ड्यू टू क्रिस्टल सेटलिंग या किसी और प्रोसेस की वजह से ये मेल्ट से हट जाएंगे क्रिस्टल्स, ओके। सो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन टू द लेफ्ट ऑफ द पेरिटेक्टिक इन्वॉल्व्स द आइसोलेशन ऑफ द क्रिस्टल्स ओलिविन एंड द बल्क कंपोजिशन शिफ्ट बीइंग इक्वल टू द लिक्विड कंपोजिशन। इफ द ओलिविन फ्रैक्शन इज इफेक्टिव द फाइनल लिक्विड विल ऑलवेज रीच द यूटेक्टिक इवन इफ द ओरिजिनल कंपोजिशन इज लेफ्ट टू द इंस्टेड ऑफ कंपोजिशन। तो इसमें कहने का मतलब क्या है कि अगर फॉर फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, अगर फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन इफेक्टिव है, यानी कि ओलिविन के क्रिस्टल्स पूरे तरीके से हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, तो बल्क कंपोजिशन क्या होगा, प्योर क्या हो जाएगा, एसिटाइट हो जाएगा या प्योर SiO2 हो जाएगा, ठीक है, और वो क्या करेगा, ऑलवेज विल रीच टुवर्ड्स द ई इवन इफ द कंपोजिशन इज ऑफ 0 to 30%। अगर इफेक्टिव फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन है तो,
क्योंकि इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन में तो 0 से 30% के बीच यहीं पे हमारा रिएक्शन पूरा होने के बाद रुक जा रहा था, आगे नहीं बढ़ रहा था और ये इस फील्ड में एंटर कर रहा था। लेकिन अगर हम ओलिविन क्रिस्टल्स को यानी कि फ्रैक्शन क्रिस्टलाइजेशन करते हैं उसका, ओलिविन क्रिस्टल्स को एकदम इमिडिएटली रिमूव करते हैं, तो लिक्विड विल बी रिच इन सिलिका और ये पूरा ई पे आएगा, ठीक है, पूरा ई पे जाएगा ये, कहीं से भी अगर लो, ठीक है, कंपोजिशन कहीं से भी ले लो, ये ई पे आएगा ही आएगा फॉर फ्रैक्शनल, ये आपको ध्यान में रखना है। सो दिस इज एन अनयूजुअल सिचुएशन इन विच फ्रैक्शन क्रिस्टलाइजेशन डज अफेक्ट द लिक्विड इवोल्यूशन पाथ इन अ सिस्टम विदाउट सॉलिड सॉल्यूशन। तो पहला हमने देखा था कि फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन सॉलिड सॉल्यूशन वाले पाथ में पाथ को इफेक्ट कर रहा था, यानी कि वो आगे बढ़ा जा रहा था, ठीक है। और यूटेक्टिक में हमने देखा, यूटेक्टिक में कोई वो नहीं कर रहा था लेकिन पेरिटेक्टिक में करेगा। मेल्टिंग की बात करें तो फॉर कंपोजिशन ऑफ 35% लेस देन 35% ऑफ सिलिका, यानी कि मेल्टिंग का मतलब अगर हम यहां से शुरू करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू करेंगे, ठीक है, तो अगर लेस देन 35% ऑफ द सिलिका है, यानी कि इस पॉइंट से इधर की तरफ कंपोजिशन है, ठीक है, ये वाला कंपोजिशन है अगर, तो होगा क्या, इट विल ऑलवेज रीच एट द पेरिटेक्टिक पॉइंट। ओके, अगर हम क्या करेंगे कि इन दिस सिस्टम वेन एवर द सिस्टम रीचेस द पेरिटेक्टिक सम और ऑल ऑफ द एंस्टेडाइट रिमेनिंग इन द सॉलिड फ्रैक्शन मेल्ट टू प्रोड्यूस बोथ फॉरस्टोइड एंड मेल्ट एट द पेरिटेक्टिक। तो यहां पे क्या होगा, 35% से इधर वाला अगर हम कोई सा भी वो लेते हैं, ठीक है, लेट्स से मैंने यहां वाला कंपोजिशन लिया, ओके, तो ये पेरिटेक्टिक पे जाएगा, ठीक है, पेरिटेक्टिक पे जाके एंस्टेडाइट क्या करेगा, कंज्यूम हो जाएगा और बनाएगा अपना फॉरस्टोइड एंड SiO2, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दिस बिहेवियर इज असेंशियली रिवर्स ऑफ व्हाट हैपेंस व्हेन सिस्टम कूल्स या क्रिस्टलाइज थ्रू द पेरिटेक्टिक, ठीक है। तो पेरिटेक्टिक रिएक्शन आपको अगर देखें तो फॉरस्टोइड लिक्विड के साथ रिएक्ट करके Mg2SiO2O6 बना रहा था, यानी कि एस्टरडाइट बना रहा था, लेकिन मेल्टिंग में क्या होगा, उल्टा होगा, ठीक है, एस्टरडाइट क्या कर रहा है, मेल्ट होके दूसरा फेज बना रहा है फॉरस्टोइड का एंड क्रिस्टोबलाइट का, तो इसको हम बोलते हैं इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग, ठीक है। व्हेन वन क्रिस्टलाइन मटेरियल प्रोड्यूसेस बोथ अ न्यू क्रिस्टलाइन मटेरियल एंड अ मेल्ट ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन, ठीक है, तो ये कंपोजिशन डिफरेंट है ना, Mg2SiO4 है और SiO2 है, तो एसीटेट मेल्ट होके डिफरेंट कंपोजिशन के सॉलिड बना रहा है एंड लिक्विड बना रहा है, तो इसको हम बोलते हैं इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग। तो ऐसा ही कुछ होगा यहां पे भी। सो इफ यू बिगेन विथ प्योर एस्टेटाइट एंड मेल्ट इट वी प्रोड्यूस अ लिक्विड ऑफ कंपोजिशन पी, ठीक है। तो अगर मैं 30% का अगर सॉलिड लेता हूँ, 30% सिलिका है उसमें, यानी कि प्योर एस्टेटाइट है, तो वो क्या करेगा, पी पे मेल्ट होगा, यानी कि 585 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होगा और यहाँ पे मेल्ट होके वो क्या बनाएगा, फॉरस्टोइड एंड SiO2, ओके, विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। सो एस्टेटाइट इज वन ऑफ द सेवरल मिनरल्स दैट मेल्ट इनकॉन्ग्रुएंटली। All peritectic system behave this way and the peritectic phase diagram may also be called incongruent melting diagram, ठीक है। तो अगर हम melting diagram की बात करेंगे तो इसको हम incongruent melting diagram भी बोल सकते हैं। साथ ही साथ एक और lucite silica, lucite अपना feldspath होता है, इज सिमिलर टू द फॉरस्टेड सिलिका, ओके। तो जैसे कि हम यहाँ पे फॉरस्टेड सिलिका पढ़ रहे हैं, वैसे एक lucite silica नाम से सिस्टम होता है, पेरिटेक्टिक सिस्टम, उसमें क्या होता है, इंटरमीडिएट कंपोजिशन का जो एलिमेंट रहता है वो, जो कंपाउंड रहता है वो क्या होता है, सैनिडिन होता है, जो कि अपना एक ऑर्थोक्लेज है, ऑर्थोक्लेज मिनरल है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एस्टेटाइट है ना इंटरमीडिएट फेज, वैसे यहाँ पे सैनिडिन इंटरमीडिएट फेज होता है, ओके। सो दैट्स इट फॉर टूडेज गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप। थैंक यू।